हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। नीट की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और साथ में एमपी की जो है चॉइस फिलिंग की डेट भी आ गई है, और डेट होने के साथ साथ चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है। तो आप वो चॉइस फिलिंग के लिए आखिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे और साथ में क्या ऑर्डर फिल करेंगे, वो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आपको जो है सबसे पहले चॉइस फिलिंग करनी है तो आपका मोबाइल खोलना है, मोबाइल नहीं है तो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर खोलना है और उसमें जाकर यह करना है, सबसे पहले गूगल पे जाकर के लिखना है डीएमई यूजी काउंसलिंग, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट जो इस बार नीट की काउंसलिंग करवा रही है एमपी की, वो डीएमई है। तो जहाँ जाएंगे तो आपके गूगल पेज पे, आप जब ओपन करेंगे तो आपके फ्रंट पेज पे आ जाएगा, क्या लिखा गया आएगा, तो वो आएगा आपकी एमपी ऑनलाइन काउंसलिंग ऐसे करके। जब आप पहले ही पेज उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। उस पेज में जो है कुछ इस टाइप के इंस्ट्रक्शंस लिखे रहेंगे, इन सब इंस्ट्रक्शन ध्यान नहीं देना है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो है आपकी इन्फॉर्मेशन डालनी है, यूजर आईडी पासवर्ड जो आपने जनरेट किया है रजिस्ट्रेशन टाइम पे, वो यहाँ फिल करेंगे। और सबमिट करने के बाद जैसे ही आप अगला पेज ओपन करेंगे तो आपके अगले पेज पे क्या रहेगा, आपका जो भी आपने पेज बनाया था, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन टाइम पे डाली थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन जाकर के आपके सामने लिखा रहा है कैंडिडेट प्रोफाइल, रजिस्ट्रेशन सब कुछ हो चुका है। अब आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग के लिए क्या करना है, चॉइस फिलिंग में जैसे ही आप अपने राइट हैंड साइड पे जाएंगे, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लिंक्स में दिखेगा चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपके सामने जो है सारे मेडिकल कॉलेजेस की एक लिस्ट आ जाएगी। आने से पहले साथ में क्या रहेगा, आपको जो है उसमें साथ में लिखा रहेगा कि आपको प्राइवेट फिल करने हैं, गवर्नमेंट फिल करने हैं, ठीक है, या दोनों फिल करने हैं। तो ऐसा ऑप्शन रहेगा, आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे, अगर सिर्फ आप गवर्नमेंट गवर्नमेंट फिल करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे नाम जो है मेडिकल कॉलेज से गवर्नमेंट आएंगे, और आप बोथ करना चाहते हैं तो आपके साथ प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों साथ में आएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। जैसे ही आप आगे नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के साथ आपके जो है इंस्ट्रक्शन लिखा के आ जाएंगे, आप क्या क्या करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन जनरली ऐसा रहेगा कि आप जो भी चॉइस ब्रोकिंग करना चाहते हैं, जैसे आपने कोई एक ऑर्डर प्रेफरेंस ऑर्डर सेट किया होगा कि मुझे कौन सा मेडिकल कॉलेज सबसे पहले चाहिए, तो आपको क्या करना, सबसे पहले उसी मेडिकल कॉलेज को चूज करना है और जो आप फर्स्ट रहे, फर्स्ट मतलब आपकी सब फर्स्ट चॉइस जो भी है, ठीक है। इसके बाद आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे आपको जितने भी आपको चूज करने हैं, जितने अपने मेडिकल कॉलेज हैं, आप सारे भी चूज कर सकते हैं। आप फाइव करना है तो फाइव कर सकते हैं, टेन करना है तो टेन कर सकते हैं, ठीक है। मैं कहूँगा तो आपको जो है जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं सारे आपको प्रेफरेंस ऑर्डर में फिल करना चाहिए, आपको जो भी पहले चाहिए हो, ठीक है। अगर आपको प्रेफरेंस ऑर्डर सेट करना नहीं आ रहा तो उसके बारे में हम इस वीडियो में लास्ट में जानेंगे, ठीक है। इसके आगे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको जो भी मेडिकल कॉलेज लिखा है उस मेडिकल कॉलेज के सामने क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए ये आपका मेडिकल कॉलेज है, आपके मेडिकल कॉलेज सामने मान लो अटल बिहारी वाजपेयी लिखा है, तो आपको MBBS वाला सिलेक्ट करना है, तो आप उसके सामने एक बॉक्स रहेगा, उस बॉक्स को क्लिक करेंगे तो वो मेडिकल कॉलेज आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप प्रोसीड करेंगे तो आपके सिलेक्शन बॉक्स राइट लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, तो सिलेक्शन बॉक्स में आपको मेडिकल कॉलेज सीक्वेंस से दिखने लग जाएंगे। जब आप चॉइस फिलिंग करने के बाद अगर आपको देखना है कि मेरे मेडिकल कॉलेज में फिल कर रहा हूँ उनका क्या ऑर्डर है, तो उसमें आप जो है रिव्यू सिलेक्टेड प्रेफरेंस, मतलब आप जो आपने प्रेफरेंस ऑर्डर फिल किया है वो प्रेफरेंस ऑर्डर भी आपको यहाँ एक तरफ पूरा दिख जाएगा कि आपको इन कौन कौन सा प्रेफरेंस ऑर्डर सही फिल किया है कि नहीं किया है। अगर आपको मान लो किसी कॉलेज को ऊपर नीचे करना है तो उसमें ऊपर नीचे करने का ऑप्शन भी रहता है, जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो वहीं आपका ऑप्शन आ जाएगा मूव अप या डाउन, मतलब किसी को कॉलेज को ऊपर करना है, किसी को नीचे करना है, तो वो भी आप साथ में उसमें कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है जैसे अगर आपकी पूरी लिस्ट पूरी हो गई होगा, आपको इसके आगे कोई कॉलेज फिल नहीं करना है, चॉइस फिलिंग आपकी कंप्लीट हो गई हो, तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप जो है चॉइस लॉकिंग पे जा सकते हैं। चॉइस लॉकिंग करने के लिए करना पड़ेगा, नीचे आप जाएंगे, प्रोसीड टू सेव, सेव या सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के बाद आपको क्या करना रहेगा, लॉक करने के बाद इस बार थोड़ा सा चेंजमेंट कैसा है, तो नेक्स्ट स्टेप जैसे करेंगे आप, चेंज आपका प्रेफरेंस ऑर्डर हो गया, इसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी आपकी, नेक्स्ट स्टेप रहेगी आपकी चॉइस लॉकिंग, मतलब आप चॉइस लॉक करना चाहते हैं, और आप जैसे ही चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा कि आपकी ये फाइनल है कि नहीं है, और साथ में पूछेंगे कि आपको जो है चॉइस लॉकिंग करने के लिए कुछ रुपए जो है सबमिट करने रहेंगे या ऑनलाइन आपको डिपॉजिट करने रहेंगे, उसके बारे में पूरा आ जाएगा। जैसे ही आप इसके बाद करेंगे तो आपका पहले तो जो है पूरा लिस्ट आ जाएगी, आपने कौन कौन से कॉलेज फिल किए हैं चॉइस लॉकिंग के बाद, और साथ में इसके बाद जो है आ जाएगा प्रोसीड टू चॉइस लॉक, चॉइस लॉक यहाँ पे आपकी हो जाएगी, और चॉइस लॉक के बाद आपकी क्या आएगी, आपकी आएगी नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग मतलब इसमें आप जो है 100 रुपीज आपको पे करने रहेंगे चॉइस लॉकिंग के, जो कि नेट बैंकिंग का चार्ज है, ठीक है। इसके बाद जो है आप किसी भी ऑप्शन से आप इसमें नेट बैंकिंग के थ्रू 100 रुपीज पे कर सकते हैं।
पे करने के बाद आप जो है लास्ट में आपके सामने पूरा पेज आ जाएगा कि आपने जो है किस तरह पे किया है, और आपकी जो चॉइस लॉकिंग का पूरा प्रेफरेंस ऑर्डर है वो आपके सामने आ जाएगा। और आप चाहें तो इसकी एक प्रिंट भी निकाल कर रख सकते हैं, क्योंकि आपको बाद में अगर जरूरत पड़े कि सेकेंड राउंड में थर्ड राउंड में कि भाई मेरे को कौन सा ऑर्डर मैंने फर्स्ट राउंड में फेल किया था जिसके अकॉर्डिंग मुझे मिला, और अगले राउंड में आपको कौन सा कॉलेज मिलने की संभावना है वो पूरा भी अगर आपको जानना हो तो आप पूरी प्रिंट निकाल सकते हैं कि मैंने ये ऑर्डर उसमें फिल किया था। मेरे अकॉर्डिंग आपको पूरा प्रिंट निकाल के रख लेना चाहिए जिससे कि आपको पता रहे कि मैंने कौन कौन से कॉलेज लिस्ट में फिल किए थे। ठीक है, वैसे तो आपको करने तो सारे ही हैं, बस प्रेफरेंस ऑर्डर जो है आप अगर सही से फिल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा कॉलेज उसमें मिलेगा। अब बात आती है अगर हम कौन सा कॉलेज फिल करें कौन सा कॉलेज फिल ना करें, तो इसके बारे में जो है डॉक्टर अमित गुप्ता सर ने आपके नीट मेंटर चैनल पे जो है एक वीडियो बनाकर डाली है, उसमें पूरा उन्होंने प्रेफरेंस ऑर्डर बताया हुआ है आपको कि कैसे कैसे आप जो है कैसे कौन सा कॉलेज फिल करना चाहिए, आप कौन सा कॉलेज नहीं फिल करना चाहिए, और साथ में क्या कि आप जो है कॉलेज फिल कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट कौन कौन से पहले फिल करने चाहिए और इसके बाद कौन सा प्राइवेट आपको पहले फिल करना चाहिए, उसका ऑर्डर सर ने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। मैं तो कहूँगा कि आपको वही ऑर्डर फिल करना चाहिए। अगर आपको बहुत अच्छा कॉलेज अगर चाहिए कि मेरा जो है बेस्ट से बेस्ट एमपी का कॉलेज मिले, तो उसके लिए आपको जो सर ने ऑर्डर बताया है उसी ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। ओके, ऑर्डर फिल करने के बाद चॉइस लॉक करने के बाद एक बार स्लिप जरूर निकाल लीजिएगा, ठीक है, और लॉक करना मत भूलिए क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है अगर लॉक नहीं करेंगे तो वो लॉक नहीं मानी जाएगी, और आप जो है आप कोई भी चॉइस फिलिंग अगर नहीं की होगी, आपने सेव भी कर दी होगी तब भी उसे लॉक नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर बीच में आपको मान लो कुछ करेक्शन जरूरी पड़ती है, वैसे तो 22 से लेकर 26 के बीच में आप कभी बीच में करेक्शन कर सकते हैं लॉक करने के बाद भी, तो आप बीच में अगर लॉक कर दिया है तो करेक्शन कुछ करना चाहते हैं वो भी करिएगा, लेकिन ध्यान से क्या करना है, अगर आपने मान लो ओपन किया है रीओपन किया है तो फिर से लॉक करके ही पूरा कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो वो लॉक नहीं मानी जाएगी और आगे आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा। लॉक करना ना भूले क्योंकि बहुत बार ऐसे बच्चे गलती करते हैं कि लॉक नहीं कर पाते और उस कारण से उन्हें फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है। ठीक है, आपका जो कॉलेज का प्रेफरेंस है वो जैसे आप सर ने बताया हुआ डॉक्टर अमित गुप्ता सर ने वैसा ही आपको फिल करना चाहिए। ओके, थैंक यू।